इंस्टाग्राम की तीन नई पॉलिसीज़ आ गई है। ये पॉलिसीज़ आपके लिए कैसे यूज़फुल है, ये पॉलिसीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, आपको ये कैसे मिलेगी, इसके क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह है, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और ये तीनों पॉलिसीज़ किस चीज़ के बारे में है, हमारी कम्युनिटी को सेफ करने के लिए, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मतलब ये जो वीडियो आएगी, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक गिव अवे की वीडियो होगी, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट गिव अवे होगा। और आपको जो गिव अवे में चीज़ मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, और वो आपके काम भी बहुत ज़्यादा आएगी। कोई 100-200 की चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है जो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो टाइम का भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूं तीन इंस्टाग्राम की पॉलिसीज जो अभी हाल ही फिलहाल में आई है, और आपको वो पॉलिसीज कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, सबके बारे में बात करते हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहली पॉलिसी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है द एबिलिटी फॉर पीपल टू लिमिट कमेंट एंड डीएम रिक्वेस्ट ड्यूरिंग स्पाइक्स इंक्रीज अटेंशन। इसका यह मतलब होता है कि मान लीजिए आपके अच्छे खासे फॉलोवर बढ़ गए हैं, आप एक पॉपुलर बन चुके हो, एक पब्लिक फिगर बन चुके हो, तो आपको बहुत सारे डीएम रिक्वेस्ट आएगी और बहुत सारे आपके पास कमेंट आएंगे, तो उसको आप लिमिट कर सकते हो। लिमिट करना मतलब आप उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि मुझे कितने कमेंट आने चाहिए, कितने लाइक आने चाहिए, एब्यूजिव आने चाहिए नहीं आने चाहिए, जो उसने मुझे अभी फॉलो किया उसके कमेंट आने चाहिए नहीं आने चाहिए, या जिसने मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रखा है, या जो मुझे फॉलो नहीं करता है उसके आने चाहिए कमेंट रिक्वेस्ट, सब कुछ आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब इसमें यह नहीं है कि आप एक पॉपुलर क्रिएटर हो तो ही आप कर पाओगे, अगर आप मेरे जैसे हो जिसके 500,000 ही फॉलोवर है नॉर्मल से, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। अब आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाता हूँ। सिंपली आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, आपको प्राइवेसी में जाना है, और यहाँ पर एक लिमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला, आप उनको बैन कर सकते हो जो आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, मतलब आपने उनको फॉलो किया और वो आपको फॉलो नहीं कर रहे, आप उनको बैन कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि जिसने आपको रिसेंटली फॉलो किया आप उसको बैन कर सकते हो, मतलब लिमिट कर सकते हो उसके लिए। तीसरा है हाउ लॉन्ग, आप कितने टाइम के लिए कर सकते हो, एक वीक, मतलब कितने टाइम के लिए कर सकते हो नहीं, कितने टाइम के लिए आप करना चाहते हो, एक वीक, दो वीक, वो आपके ऊपर, आप कितने टाइम के लिए उसको लिमिट करना चाहते हो। ये लिमिट वाला फीचर इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत सारे पब्लिक फिगर और बहुत सारे अकाउंट है, लड़कियों के हो चाहे लड़कों के हो, उनके ऊपर बहुत सारी हेट स्पीच जाती है, चाहे डीएम में जाओ या फिर कमेंट में जाओ, तो बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे फैल रही है। तो ये सब लोग थे, इन्होंने एक ट्वीट किया था इंस्टाग्राम को, और इंस्टाग्राम को बहुत सारे मेल भी भेजे थे, कॉन्टैक्ट भी किया था कि आप ये वाला एक फीचर लेके आइए लिमिट वाला, जिसमें ये हो कि हम हमारी रिक्वेस्ट को और डीएम मैसेज को दोनों को हम लिमिट कर सकें, कि हमारे ऊपर कंट्रोल रहे कि हम उनके डीएम को एक्सेप्ट, मतलब आप अगर डीएम, जैसे मैंने लिमिट कर दिया, आप मुझे डीएम करोगे तो आपकी साइड तो दिखाएगा वो डीएम, लेकिन वो मेरे पास नहीं जाएगा। अगर आपने तीन ऑप्शन आपने मैंने जो बताया ना, वो कि एक तो रिसेंटली फॉलो वाला और एक फॉलो बैक नहीं करने वाला, तो अगर आप मुझे फॉलो बैक नहीं कर रहे हो और मैंने वहां पे वो लिमिट वाला ऑन करके रखा है, तो आप जो डीएम करोगे वो मेरे पास पहुंचेगा ही नहीं, आपको दिखाएगा कि वो जा चुका है लेकिन वो मेरे पास नहीं पहुंचेगा। और अगर मैं रिसेंटली फॉलो वाले को कर दूं, तो आपने अगर मुझे रिसेंटली फॉलो किया आजकल में या एक हफ्ते में, तो भी आपका वहां पे मुझे कोई भी कमेंट और वो वगैरह नहीं दिखाएगा, उसको मैं लिमिट कर पाऊंगा। तो ये वाला फीचर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं अपने दूसरी प्राइवेसी की तरफ। दूसरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर वार्निंग व्हेन पीपल ट्राई टू पोस्ट पोटेंशियली ऑफेंसिव कमेंट्स। चाहे ये ऑफेंसिव कमेंट बोल लो, चाहे सेक्सुअली कमेंट बोल लो, या चाहे हरासमेंट वाले कमेंट बोल लो, जो भी लोग ये सब चीज करते हैं उनको एक वार्निंग दी जाएगी कि आप ये मत करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा कि ये ऑफेंसिव है, हरासमेंट वाला है, ये जो भी नेगेटिविटी वाले कमेंट है, इंस्टाग्राम को कैसे पता चलेगा? तो इंस्टाग्राम ने एक ऑलरेडी अपना एक फिल्टर लगा दिया है, उसमें बहुत सारे वर्ड उसने डाल दिए हैं, जैसे कि अब आप समझ जाओ मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता वीडियो में, जो भी गाली गलौज वाले वर्ड है, चाहे वो इंडिया के हो चाहे फॉरेन के हो, उसने फिल्टर में डाल दिया हर कंट्री के वाइज। इंडिया में जो गालियाँ उस हिसाब से, फॉरेन में जो गालियाँ उस हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वर्ड मैच होता है वहाँ पे फिल्टर हो गए, तो वहाँ पे उस इंसान को वार्निंग दी जाएगी। जैसे आपकी पोस्ट पे अगर मैं नेगेटिविटी, हरासमेंट या हेट स्पीच वगैरह कुछ दे रहा हूँ वहाँ पे कमेंट में, तो वहाँ पे मुझे क्लियरली एक वार्निंग आ जाएगी, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहाँ पे ये लिखा हुआ जाएगा कि ये वार्निंग है, आपका अकाउंट भी यहाँ पे टर्मिनेट या डिलीट हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं वो गलती करने के बाद, मतलब मुझे वार्निंग आ गई, मैंने कंटिन्यू करके फिर भी कर दिया, तो इंस्टाग्राम तो उसको डिलीट कर देगा, लेकिन मैं वही गलती अगर दोबारा करता हूँ तो मुझे एक और वार्निंग आएगी, स्ट्रॉन्गर वार्निंग। उसके बाद भी अगर मैं नहीं मानता हूँ, मैं ढीठ हूँ, मैं फिर भी करूँगा, तो मेरा अकाउंट वहाँ पर डिलीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और इसके लिए इंस्टाग्राम कुछ भी वहाँ पर नहीं बोलेगा, डायरेक्ट आपको मेल आएगा, या फिर मेल भी नहीं आएगा, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है आपने ये गलती की है। आपने जब एक बार आपको वार्निंग आ गई, उसके बाद भी आप नहीं सुधरे, तो गलती आपकी है, चाहे मेरी गलती हो चाहे आपकी गलती हो। अगर हम हेट स्पीच ऐसे फैलाएंगे, जबकि ये
सब चीज़ अच्छी नहीं है मेरे भाई। आपके भी अगर अकाउंट पे आके कोई ये सब चीज़ फैलाता है, हेट स्पीच वगैरह गंदे कमेंट करता है, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो आप भी किसी के भी प्रोफाइल पे जाके ये सब चीज़ मत करो। अगर आपको वो इंसान बुरा भी लगता है तो उसे ब्लॉक कर दो, अपनी लिस्ट में मत रखो, अपने कॉन्टैक्ट में मत रखो, अपनी नज़रों के सामने मत रखो अगर आपको पसंद नहीं है तो। लेकिन हेट स्पीच ये सब फैलाओगे तो नुकसान आपका ही, एक तो आप खुद नेगेटिव बनते जाओगे अंदर से, और दूसरी बात आपका अकाउंट भी यहाँ पर डिलीट हो सकता है, जिसके लिए आपने मेहनत करके जिस मुकाम पर आप पहुँचे होते हैं, आपके 100 फॉलोवर है चाहे 1000 फॉलोवर है, वो आपकी मेहनत के फॉलोवर है, वो आपका अकाउंट वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ग्लोबल रोल आउट ऑफ आवर हिडन वर्ड्स फीचर विच अलाउ पीपल फिल्टर एब्यूजिव डीएम रिक्वेस्ट। तीसरी पॉलिसी का ये मतलब है कि यहाँ पे उन्होंने फिल्टर लगा दिए, जैसा मैंने आपको सेकंड वाले में बताया कि उनको कैसे पता चलेगा। थर्ड वाले में यही है कि वो एक फिल्टर लगा दिया उन्होंने, उसमें वर्ड्स उन्होंने सेट कर दिए, तो उसमें क्या होगा अगर आप कहीं भी डीएम रिक्वेस्ट में या कमेंट्स में ये सब फैलाओगे तो वहाँ पे फिल्टर हो गए, वो ऑलरेडी पहले से ही डिलीट हो जाएंगे। इसमें सिर्फ ऑफेंसिव कमेंट या हेट स्पीच या हरासमेंट या सेक्सुअल वाला कंटेंट नहीं है, मतलब सेक्सुअल वाले वर्ड नहीं है, यहाँ पे अगर आप इमोजी वगैरह भी यूज़ कर दोगे या कोई फ्रेजेस वगैरह यूज़ करोगे तो भी वहाँ पे वो डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑटो फिल्टर में उन्होंने पहले से डाल के रखे हैं। और इंस्टाग्राम खुद बोलता है कि हम हर मंथली, हर वीक, हर डे नए नए वर्ड्स, नए नए इमोजीज इस फिल्टर में ऐड करते जाएंगे, इसको अपडेट करते जाइए हमारी टीम कि कौन से वर्ड ऑफेंसिव है, कौन से वर्ड हरासमेंट वाले हैं, कौन से सेक्सुअल कंटेंट वाले हैं, या कौन फ्रेजेस डाल रहा है, कौन वहाँ पे इमोजी डाल रहा है गलत गलत, चाहे वो डीएम रिक्वेस्ट हो, चाहे वो कमेंट हो, चाहे आपके कमेंट में आ रहे हो या फिर डीएम रिक्वेस्ट में आ रहे हो या फिर आप कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो किसी में तो वो डिलीट हो जाएंगे वहाँ से, अगर आपके में कोई कर रहा है तो डिलीट हो जाएंगे। डिलीट नहीं होते तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट नहीं कर सकते जो पहला वाला मैंने बताया था लिमिट वाला वो कर सकते हो, और दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया वार्निंग वाला, तो यहाँ पे वार्निंग भी आएगी। तो ओवरऑल इंस्टाग्राम का ये बोलना है कि ये तीनों पॉलिसी में उसने यही जाहिर किया है कि हम हमारी कम्युनिटी को सेफ कर रहे हैं। क्यों सेव कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लोग यहाँ पे भर चुके हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उनको, चलो बड़े क्रिएटर की भी मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, तो छोटे क्रिएटर हैं उनके में भी हेट स्पीच फैला रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, डीएम रिक्वेस्ट में गालियाँ दे रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो इंस्टाग्राम को बहुत सारे लोगों ने फोर्स किया, ट्वीट किया, मेल किया, कॉन्टैक्ट किया कि ये सब चीज़ें लेके आओ ताकि आपकी कम्युनिटी भी सही रहे और हमारा अकाउंट भी सही से ग्रो हो पाए और ऐसे फालतू नेगेटिव कमेंट्स हमको नहीं मिले, चाहे नेगेटिव कमेंट हो चाहे नेगेटिव डीएम हो। तो तीनों ओवरऑल में आपको समझ आ गया होगा कि मैंने तीनों क्या समझाएं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, वहां भी मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहां पे आ रही होगी, वहां पे भी आप मुझे डीएम में कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो गिव अवे वाली वीडियो, उसमें आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है ताकि आप जो उस गिव अवे में मिलने वाला है वो शायद आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।